आज रिसेंटली ये देखी थी, ये इंडिया में बना है मेरे ख्याल से ये एयरपोर्ट। देख भी लिया आपने? जी मैंने फेसबुक से आज इसकी एड देखी थी, इंडिया का है मेरे। उन्होंने मुकाबला भी किया कि दोनों मुल्क एक ही टाइम पर इंडिपेंडेंट हुए और एक चंद्रमा की तरफ जा रहा है, उसको पूरे यहाँ का यूरोपियन प्रेस ने कवरेज किया है। दूसरी कंट्रीज, क्योंकि अमेरिका के साथ मिलके ही तो अभी निसार सैटेलाइट छोड़ रहा है, तो निसार सैटेलाइट अमेरिका की नासा के साथ पार्टनरशिप है उनकी, वो ऐसा बोल भी नहीं सकते। आपको खबर दें, कराची के लिए बिजली 2 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरखास्त जमा कराई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज सुबह 10:30 बजे अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित वीर सावरकर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इस एयरपोर्ट की लागत 710 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। साथ ही एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इस एयरपोर्ट की खूबसूरती देख पाकिस्तानी सन्न रह गए। पाकिस्तानियों ने भारत की जमकर के तारीफ की है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, उससे भारत काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और पूरा यूरोप भी भारत की तारीफ कर रहा है। कंट्रीज का जो मेजर मिशन रहा है वो इसको डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना रहा है, मगर हमारा मेजर मिशन ह्यूमैनिटी है। हमारा मेजर मिशन इंडिया नहीं है सिर्फ, हमारा मेजर मिशन पूरी दुनिया की इंसानियत है। हम उसके लिए वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने पर्टिकुलरली नहीं कहा ना, वही फर्क है। नहीं तो इंडिया का अपनी भी स्पेस फोर्स है, इंडिया ने अपनी स्पेस फोर्स अनाउंस कर दी है। इंडिया के पास एसैट मिसाइल्स है, इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क है जिसके पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स है, तो पर्टिकुलरली नहीं कहा। आप देखिए स्पेस से अभी इंडिया जो एक और मिशन छोड़ा है आदित्य L1, वो सूरज को जाके स्टडी करेगा, तो जो भी उसकी स्टडीज है वो इस्तेमाल की जाएंगी ITER में। ITER जो फ्रांस में प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 16 मुल्क मिलके वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 2032 तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। उसके अंदर इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर पार्टनर है फ्रांस का, वो सूरज का रेप्लिका बना रहे हैं, एक छोटा सूरज बना रहे हैं। अगर सूरज का 1% भी अगर अर्थ पे रेप्लिका बनाए तो पूरी दुनिया की एनर्जी नीड्स पूरी हो जाती है। तो इंडिया अलग लेवल पे चल रहा है, वो सूरज का रेप्लिका बनाने पे काम कर रहे हैं हम, वो सूरज पे सैटेलाइट भेजने का काम कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? दिविक जी हम भी तो काम कर रहे हैं, हम भी तो 500 फीट झंडा बनाने जा रहे हैं इस 14 अगस्त पे। सुनिए आपने न्यूज, उससे क्या हो जाएगा, उससे 400 मिलियन आपके जाया होगा। 400 मिलियन कितना होगा मेरे ख्याल से 40 करोड़, इससे अच्छा 40 करोड़ मेरे को ही दे दो, बह जाके कहीं घूम के ही आ जाओ। 40 करोड़ का एक डंडा लगा के झंडा, उससे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का परचम और नाम दोनों ऊंचे होंगे। देखे फर्क है ना, परचम पे झंडा चांद होने से और चांद पे पैर होने से दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया का चांद पे पैर है और हमारे परचम पे चांद है। चांद तो मैं अभी पेन लेके अपने हाथ में भी बना दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, ये इंडिया का नहीं, मेरा ख्याल है आपने गलत देख लिया। नहीं इंडिया का ही है। इतने यकीन के साथ क्यों कह रहे हैं? हो सकता है आपने टाइटल और कैप्शन गलत पढ़ा हो। नहीं मैंने उनके पेज लाइक किया ना, तो ये उधर जो भी उनका यानी कि कोई मोटरवे बनती है, कोई एयरपोर्ट बनता है, उनकी शो अप हो चाइना की और इंडिया की मुझे शो हो जाती है। अच्छा। कि ये इस मुल्क यानी आज इसमें ये चीज़ हमने डेवलप कंट्री की है, तो उधर के जो PM है या उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको मैंने फॉलो किया ना, तो वो अपने पेज पर फिर लगाते हैं कि हमने अपने मुल्क में ये काम किया है। अच्छा, वीडियो देखकर आपको लग रहा है कि इस तरह का एयरपोर्ट इंडिया बना सकता है या इंडिया में बनाया गया होगा? जी बिल्कुल, इंडिया बहुत डेवलप्ड कंट्री बन रहा है, आने वाले फ्यूचर में वो यानी कि सारे मुल्कों को पीछे छोड़कर आगे जा रहा है, तो क्यों नहीं बना सकता, उनके पास यानी हर फील्ड में वो आगे जा रहा है तो एयरपोर्ट भी बना सकते हैं। एयरपोर्ट लग कैसा रहा है आपको, देखने में कैसा है? नहीं माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है इसके अंदर, यानी कि हर चीज़ की देख रहा हूँ मैं, सहूलियात मौजूद है अंदर, ये क्या कहते हैं रूम्स वगैरह, फर्नीचर और ऊपर क्या कहते हैं जो इधर इतने बड़े रकबे पे बनाया गया ना, मुसाफिर बैठते हैं ये जगह, और जो उधर जॉब्स इसमें बहुत ज़्यादा मिलेगी, अपॉर्चुनिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स की। अगर हमारा हमसाया मुल्क इंडिया चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर सकता है तो इस तरह का एयरपोर्ट क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल वो बना सकता है जी, वो इकोनॉमिक लिहाज से 3rd नंबर पर आ चुका है। दिन ब दिन वो टेस्ला भी उसके पास चला गया, iPhone भी उसके पास चला गया, तो ये एयरपोर्ट तो छोटी सी बात मैं कहता हूँ, इतना शानदार बनाया है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इतनी टेक्नोलॉजी कैसे उन्होंने ये डेवलप कर ली है, ये इंडिया के अंदर बनाया गया है। क्या कहेंगे कि हमारा हमसाया मुल्क इतनी तरक्की कर गया है कि इंडिया बॉम्बे के अंदर ये नया एयरपोर्ट बनाया गया।
देखिए कहने के लिए अल्फाज कम पड़ जाएंगे, जो कह लें कि अल्फाज ही नहीं मैं बयान कर सकूंगा, वो इतनी तारीफ उनके हक में करनी पड़ेगी। फिर ये कहेंगे कि एक पाकिस्तान इंडिया के हक में तारीफ कर रहा है, तो जो काम को बंदा ना सराहे वो भी तो गलत बात है ना। अब उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने मेहनत की है, नरेंद्र मोदी साहब की 10 साल की स्ट्रगल है, उन्होंने इतना शानदार काम किया अपने मुल्क के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने निज़ाम के लिए। आप देखें ये अब वो खूबसूरती को प्रमोट कर रहे हैं, इतना शानदार उन्होंने एयरपोर्ट बना दिया, अभी तो उन्होंने और बहुत ज़्यादा काम करने हैं, अभी तो उन्होंने प्लान स्टार्ट किए हैं, तो ये खूबसूरती को आप वो और निछावर करेंगे। ऐसे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इंडिया में टैलेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इनोवेशन भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बिल्कुल ऐसे है, उधर तो अब सारी बात पैसे की होती है, जब पैसा आता है ना तो टैलेंट भी आ जाता है, निज़ाम भी सीधा हो जाता है, हर चीज़ सीधी हो जाती है, फिर वो गरीब के हाथ में भी टैलेंट आ जाता है, फिर आप किसी के भी हाथ में चीज़ पकड़ा देंगे ना वो कहेगा हाँ ये ठीक है। अब जिसके पास नौकरी का काम है वो नौकरी का वो जरा उस अपने अंदाजे सोचेगा, जिसको पता है कि मेरा कारोबारी निज़ाम है वो फिर एक ब्रॉड सोच रखता है, एक बड़ी सोच रखता है, वो फिर वो बड़ा कारोबार के तरीके से सोच ऐसे है। मैं कहता हूँ वो एक तो खूबसूरती के साथ बनाया गया और ऊपर बहुत ही अच्छा निज़ाम के साथ सेटल किया गया, और पैसेंजर जो जा रहे हैं देखें वो उधर की इकोनॉमी सेट हो रही है, जा रहे हैं उधर से जा रहे हैं, दूसरे ममालक से लोग आ रहे हैं, वो उनकी ट्रैवलिंग एजेंसी सेट हो रही है, पैसा कमा रहे हैं हर लिहाज से, जिधर भी देख रहे हैं वो पैसा कमा रहा है, गरीब उनका ऊपर आ रहा है, अब पाकिस्तान का अमीर भी पीछे जा रहा है, ये निज़ाम चल रहा है। इंडिया देखा, मुझे शक पड़ रहा था ये इंडिया का। क्यों आपको शक क्यों पड़ रहा था ये इंडिया का? यार शक इसलिए पड़ रहा था, एक तो आप अक्सर रिव्यू इंडिया पे करती हैं, अच्छा। इसलिए मैंने शुरू में ही आपसे पूछ लिया था, पर मैं तो बड़ा लाइक सरप्राइज होने वाली बात तो नहीं है, अभी पिछले दिनों में ही इंडिया चांद पे भी गया है। हाँ। अभी एक न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया समुद्रयान में कोई 7-6 हज़ार मीटर जमीन के अंदर पानी में भी जाने लगा है, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि आज भी हम $3 अरब का ले कर हम पेट्रोल सस्ता करके अपनी बाइकें पुराने ज़माने की चला रहे हैं, हमारे लिए ऐसी चीज़ें सरप्राइज होती हैं यार, हम तो हैरान ही रहते हैं हमेशा कि दुनिया क्या कर रही है। तो हम पहले कहते थे यार गोरों ने ये काम कर लिया, गोरों ने फलाना कर लिया, टमकाना कर लिया, अगर हम अपने हमसाय मुल्क की तरफ देख रहे हैं इंडिया की तरफ, हम कहते हैं यार अब इंडिया ने ये कर लिया, गोरे भी अब इंडिया की तरफ देख रहे हैं यार के लाइक इंडिया ये काम कर रहा है, फलाना कर रहा है, iPhone 15 और 15 Plus जो है वो भी मेड इन इंडिया में होंगे। अभी मुझे भी लोग मुबारकबाद दे रहे हैं कि हाँ जी आपका मुल्क जो है उसने ये तरक्की कर ली है, मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट के अंदर ये बनाया। और जब ये ऐसी खबरें आती हैं कि एक एंशंट मंदिर जो 140-150 साल पुराना, जो एक पाकिस्तान की हेरिटेज है, उसको ये जाके बुलडोजर रात के अंधेरे में तोड़ देते हैं, और जो जो शर्म वाली बात ये है कि पुलिस उसको कवर करती है। भाई है, अभी लड़की ने शादी की थी तो वो उसका विटनेस बन के आया हुआ था, वियना में रहते हैं, अपना टिकट लेके आया, और जब भी यहाँ आते हैं तो ऊपर मेरे पास बैठ के संडे को खाना पीना, और उनका दिल नहीं करता मेरे जाने का। तो ये हमारा प्यार है एक दूसरे का, और कोई एट्रोसिटी नहीं है, हम पाकिस्तानी फैमिली के पास घर में जाते हैं, वो कोई गाय वाय का मीट नहीं बनाते ना, वो हमारे यहाँ आते हैं तो हम वैसे हम खाते नहीं है सूर वूर, लेकिन पता है ये एक हमारी अंडरस्टैंडिंग। एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही, एक बात कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी है वो हिंदुओं से बिल्कुल उनको बुला के राजी नहीं है, उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, उनके साथ खाने को तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही यूरोप में चले जाते हैं इनका प्यार आप लोगों से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि वो जब हमसे फेस टू फेस मिलते हैं और उनको पता लगता है कि सोसाइटी में हमारी बहुत इज्जत है, और सब बहुत यहाँ तक भी है कि बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर, अब उनको कोई पूछता है आप कौन है तो वो इंडियन बताते हैं, तो ये पाकिस्तानी अपने आप को इंडियन बताते हैं। हाँ, वो अपने बोलेंगे यार ये मैं इसको कौन जवाब दूंगा, शायद ये मुझे दुकान से बाहर निकाल दे, वो बोलेंगे स्पेन इंडियन, इसको मैं हाउस इंडियन, मैं इंडिया से आया, तो बात तो सही है तो वो इंडियन ही है, लेकिन वो पॉलिटिकल पाकिस्तान से है, झूठ नहीं बोल रहा वो मेरी नजर है ना, तो उनको उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही वो उनके साथ हमारी मुलाकात होती है तो उन्हें पता लग जाता है कि हम भी उन्हीं की तरह के लोग हैं, उनकी कभी पाकिस्तान में मुलाकात नहीं हुई, किसी ने घर में ईद पे नहीं कोई पहुंचा, कोई दिवाली पे नहीं गया, तब यहाँ पर वो हमारे साथ बैठ के सारी फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो दोस्तों भारत में बने एयरपोर्ट को देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा सन्न रह गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को यकीन ही नहीं हो रहा कि भारत भी ऐसा एयरपोर्ट बना सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारत लगातार
तरक्की कर रहा है उससे भी पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान भारत से कई सौ साल पीछे रह चुका है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तरक्की की बजाय लोगों को मजहबी जुनून में ज़्यादा फंसा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में सरेआम मंदिरों को तोड़ दिया जाता है और कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पूरी तरीक़े से ख़त्म होने वाली हैं। पाकिस्तानी सरकार माइनॉरिटीज़ को कोई हक नहीं दे रही, साथ ही उनको सुरक्षा भी नहीं दी जा रही। जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी लगातार उन पर हमला कर रहे हैं उससे उनका ख़त्म होना तय है, उसके बावजूद भी पाकिस्तानियों का दिल नहीं भर रहा। पाकिस्तान में केवल 2-4% ही माइनॉरिटीज ही बची, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी उनके पीछे पड़ चुके हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।